वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम श्रेया। तो आज हम बनाएंगे तहरी, जो सभी को पसंद है और जो बहुत ही जल्दी से बन भी जाती है, तो उसे ही आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कुछ, इसमें वेजीज का यूज़ करेंगे। तो मैं मटर और ये गोभी का यूज़ कर रही हूँ सब्जी के रूप में। तो ये गोभी को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे इसमें जो भी बैक्टीरिया और जो भी कीड़े वीड़े अगर हों छुपे हुए तो ये अच्छे से हो जाएं। और इसमें प्याज, मैं मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी, बिकॉज लाल मिर्च जो होता है बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, आपको मिर्ची ही खानी चाहिए हर चीज़ों में। कलर के लिए थोड़ा बहुत डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं बहुत थोड़ा डालूंगी, या देखते हैं क्या करते हैं। और ये है टमाटर, ज़्यादा टमाटर आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब टमाटर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं, टमाटर आपके सारे मसाले को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अगर हो सके तो छोटा ही डालिए। ये एक बहुत छोटा सा टमाटर है जो मैंने कट किया है। और ये तो हो गया कि आप इन सब सामानों से आप बनाएंगे उस, और मसाले में आप जो ये है, ये देखिए, ये कड़ी पत्ता है, सॉरी कड़ी पत्ता नहीं, तेज पत्ता है, बेली बोलते हैं इसे। तो ये मैंने दो पत्ते ले लिए हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये हल्दी है, ये नमक है, ये धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर मीन्स ये इसमें सब कुछ, ये मेरी मम्मी घर पे ही इस मसाले को बनाती हैं, इसमें और भी कुछ मसाले हैं मिले हुए, सिर्फ धनिया नहीं है। और ये है जीरा पाउडर है, और ये काली मिर्च है, और ये जो है ये गरम मसाला है। तो ये सब मैं डालूंगी। और ये देखिए, ये चावल है, ये मैं दो लोग के लिए ही बस बना रही हूँ। तो ये आधा ग्लास है चावल, जिसे मैंने धो कर रखा हुआ है। तो अब हम बनाते हैं। तो ये मैंने कुकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल मैं थोड़ा अच्छे से ही डालती हूँ, 3-4 टेबल स्पून, जिससे थोड़ा सा मतलब अच्छा बनता है, क्योंकि आप ये खिचड़ी नहीं बना रहे हो, तहरी बना रहे हो ना, जिसे नमकीन चावल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑयल तो इसमें चाहिए रहता है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ, इतना सही है। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें मैं ये प्याज डालूंगी। और प्याज थोड़े ट्रांसपेरेंट हो जाएं तब तक मैं इन्हें भूनूंगी, बट मैं इन्हें थोड़ा इसमें क्रस्ट आने के लिए थोड़ा सा गोल्डन ये और क्रिस्पी हो जाता है, तब मैं इसमें फिर इतना मैं भूनती हूँ। और फिर उसमें तब मैं मिर्ची डालूंगी, अभी से मिर्ची डाल दूंगी तो वो मिर्ची जो है वो अपना मतलब अजीब हो जाएगी मिर्ची। तो ये जब हो जाएगा क्रस्ट थोड़ा, तब उसके बाद मैं मिर्ची डालूंगी। ये देखिए थोड़ा सा ये गोल्डन इसमें क्रस्ट आ गया है, अब इसमें मैं जो ये मिर्ची है अब डाल दूंगी। और अभी इसलिए मैंने तेज फ्लेम पे किया था, अब इसे मैं लो फ्लेम कर दी हूँ ताकि ये जले ना, मतलब इसका आपको जब तक ये गोल्डन हो रहा है तब तक तेज फ्लेम पे करिए, और जैसे ये गोल्डन हो जाए उसके बाद आप लो फ्लेम कर दीजिए। अब इसमें बारी है मसाले डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी और काली मिर्च बस, और ये जो ये बे लीव्स हैं जिन्हें हम तेज पत्ता बोलते हैं उसे हम डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ा ही देर के लिए, क्योंकि हमें ये ज़्यादा देर तक नहीं बनाना होता है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए थोड़ी ही देर इसको आप बस चलाइए। ये अब हो गया, इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर जो है वो डालूंगी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गरम मसाला पाउडर है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी,
थोड़ा ब्लैक हो जाता है। अब देख सकते हैं मसाला कितना टेस्टी दिख रहा है। अब इसमें हम सब्जियां भी ऐड कर देंगे। थोड़ा दूर होके करना चाहिए। और इससे पहले हम टमाटर डालेंगे। सब्जी को थोड़ा किनारे करके ये पहले टमाटर को मैं वो कर लेती हूँ। और इस टमाटर के ऊपर मैं नमक डालूँगी। पहले आप नमक थोड़ा कम ही डालिए ताकि जैसे तेज अगर वो बाद में आप डाल सकते हो उसका पानी थोड़ा सा चट के। इतना ही डाल रही हूँ नमक, इसमें ज़्यादा उसको वो करना नहीं आता है, ये वैसे भी सही ही रहता है, ग्रेवी तो बनानी नहीं है। अब मैं इसमें मटर भी डाल देती हूँ। इसमें आप सोयाबीन के जो चंक्स होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मटर के साथ नहीं पसंद है, मुझे ऐसी वेजीज के साथ ही ये ग्रेवी पसंद है तो मैंने नहीं डाला है। बट आपके पास जो अगर अवेलेबल है डाल सकते हैं। ऐसी थोड़ा देर करेंगे इसमें फिर चावल डाल देते। आप ये देख सकते हैं ये पूरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, एकदम टेस्टी लग रही है देखने पर। तो इसमें जो चावल हैं जिन्हें मैं धो ली हूँ उसे डालूँगी। ये देखिए इसमें मैंने ये चावल डाल दिए हैं। अब ये इसे अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। और इसमें जो पानी मैं डालूँगी, बहुत लोग को बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो एकदम मतलब पता है ना एकदम रनी सा हो जाता है, एकदम लगता है नदी बह रही है, तो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें बस ये एक तरह से वेज बिरयानी बना रही हूँ मैं, बट होता है ना कि थोड़ा वो मॉडर्न लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा देसी ये लैंग्वेज जो है ये तहरी यही सही लगता है। तो ये देखिए, और इसमें मैंने आधा से कम ही डाला है पानी, और मैं इसमें डाल दी। अब देखिएगा किस कितना ये डूबा है, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें ये पूरा दिख रहा है, सिर्फ पानी नहीं दिख रहा है, सारे वेजीज दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो इसे मैं एक चेक करती हूँ एक तरीके से, वो मैं बता रही हूँ आपको तरीका। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, इसलिए कटोरी से भी कम पानी है, पक्की होता है ना थोड़ा पक भी जाए, एकदम वेज बिरयानी ही है सब। तो इसे मैं इसे चाकू डालती हूँ इसमें और फिर इसे निकालती हूँ। तो देखना ये ऑयल लगा है जितना, तो मुझे इतना ही चाहिए, मतलब इसे आप अपनी उंगली से जब मिलाओगे तो ये उंगली के इतना आ रही है, थोड़ी टेढ़ी हल जाती है, ये टेढ़ ऐसे आ रही है, लाइनिंग से मैंने लिया है तो इतना सही है। इसे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी क्योंकि चावल जो है वो आधा ही है ग्लास का। तो अब हम इसमें इसके जो पानी है उसको थोड़ा सा चख लेंगे, उसके बाद उसे फिर ढक्कन लगा देंगे, सीटी बजा देंगे। हाँ, क्योंकि कम है तो ज़्यादा सीटी आप बजा सकते हैं, 3-4 सीटी में ये पक जाएगा। ये देखिए तो सीटी देना शुरू कर दिया है, ऐसे ही हम 3-4 सीटी बजा देंगे। ये देखिए ये टेस्टी तहरी मेरी तैयार है, देखिए कितनी ये सब गला नहीं है, ये पूरा देखिए खड़ा तो खड़ा ही है। अब मैं फिर प्लेट में डाल दूँगी। ये देखिए मेरी ये तहरी तैयार है और ये प्लेट में मैंने रेडी कर दिया है। इसके साथ पापड़ है, अचार, नींबू, दही, जो भी आप मूली ले सकते हैं। तो ये देखिए ये तहरी रेडी है। तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।